तहखाने में चुड़ैल। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, चल आगे बढ़, कुछ नहीं होगा। शिव और राजन दोनों जंगल की एक गुफा में एक तहखाने की तरफ जा रहे होते हैं। उनके हाथों में जलती हुई मशाले होती हैं। अरे कैसा मर्द है रे तू, मर्द होकर भी डर रहा है। जैसे ही राजन आगे की तरफ बढ़ता है, अचानक से गुफा के अंदर से कई सारे चमगादड़ निकल के बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर वह दोनों बहुत डर जाते हैं। हे महादेव, हमारी रक्षा करना, अब तेरा ही आसरा है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें तहखाना नजर आ जाता है। अरे देखो देखो, वो रहा तहखाना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आओ आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अरे भागो भागो, हम भागो, चुड़ैल यहाँ तो चुड़ैल है, अरे भागो। अचानक से कोई शिव के पैर पकड़ के उसे खींच लेता है, जिसके बाद वो देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाता है। अरे अरे शिव शिव शिव, कहाँ गया शिव? शिव तो गया, अब तेरा नंबर है, तू भी जाएगा। आज मैं यहाँ तुझे खत्म करके ही जाऊँगा। राजन अपनी जलती हुई मशाल को यहाँ से वहाँ घुमाने लगता है, लेकिन चुड़ैल उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा होता है, तभी अचानक से राजन के कोई पैर पकड़ कर उसे गिरा देता है और उसे खींचता हुआ ले जाता है। आज तक उस गुफा के तहखाने में जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आया था। हर बार की तरह उस चुड़ैल ने बेचारे राजन और शिव को जान से मार दिया था। आखिर चुड़ैल गांव के लोगों को क्यों मार रही थी और वह चुड़ैल उस तहखाने में क्यों थी? चलिए कहानी को शुरू से जानते हैं। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, क्यों बार बार मेरे पास आती हो? अनुराग, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम क्यों नहीं समझती? आइंदा मेरा पीछा किया तो अच्छा नहीं होगा। अनुराग मणि को छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलती है जो सीधा अनुराग का सीना चीरते हुए निकल जाती है। वह गोली चलाने वाली और कोई नहीं, मणि होती है। जो मेरा नहीं हो सकता, वह किसी का भी नहीं हो सकता। तभी अचानक से अनुराग नींद से जागता है और घबराते हुए यहाँ से वहाँ देखने लगता है। हे भगवान, फिर से वही सपना, आखिर ये मणि कौन है और मेरे सपने में क्यों आती है? आज तो मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। अनुराग को बचपन से हस्तिनापुर गांव का एक ही सपना बार बार आता है। अनुराग अपने सपने के बारे में जानने के लिए हस्तिनापुर गांव में पहुंच जाता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर वो कौन है जो मेरे सपनों में आती है और मुझे मार देती है। अनुराग जैसे ही हस्तिनापुर के गाँव में कदम रखता है, चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। सब लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। अनुराग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी वह एक भिखारी से कहता है, बाबा बाबा, क्या इस गांव में मणि नाम की कोई लड़की रहती है? अरे बहुत देर कर दी तुमने आने में, वो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, उसने इन गांव वालों को जीना हराम कर रखा है। चलो अब तुम आ गए हो तो हमें उस तहखाने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। तहखाने वाली चुड़ैल, आप ये किसकी बात कर रहे हो? तुम यहाँ अपने सपनों के सवाल ढूंढने आए हो, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे अभी तक जिंदा रखा है ताकि मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला सकूं। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। अनुराग ये सुनते ही बहुत चौंक जाता है। मणि तुम्हें बहुत प्यार करती थी, तुम इस गांव के सूर्यवंशी के बेटे थे और विदेश से पढ़ाई करके यहाँ अपने पिता की सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए आए थे। उस रात जब तुम्हारी गाड़ी खराब हुई। अरे ड्राइवर, ये क्या, अब मैं घर कैसे पहुंचूंगा? तुम्हारी गाड़ी तो यहीं खराब हो गई। अरे साहब, आप चिंता मत कीजिए, मालिक पास ही में एक चाय वाले की दुकान है, आप इतने में वहाँ चाय पीजिए, तब तक मैं गाड़ी ठीक कर लेता हूँ। अनुराग चाय वाले की दुकान पर पहुँच जाता है, जहाँ मणि चाय बना रही होती है। जैसे ही अनुराग उसे देखता है, वह अपनी आँखें एक सेकेंड के लिए भी झपका नहीं पाता। अरे इतनी सुंदर हसीन लड़की, ये तो सुंदरता की भला है भला। अनुराग को मणि से प्यार हो जाता है। अनुराग उस रात 2 घंटे तक मणि की चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीता है, लेकिन तभी उसका ड्राइवर आता है और उसे ले जाता है। घर लौटने के बाद भी अनुराग की आंखों से मणि का चेहरा एक पल भी नहीं हटता था, वह हर पल मणि के बारे में ही सोचता रहता था। सुनो ड्राइवर, उस रात जब हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो तुमने एक चाय वाले की दुकान में मुझे चाय पीने के लिए भेजा था,
मुझे उसी के पास ले चलो। ड्राइवर अनुराग को दोबारा मणि के पास ले जाता है। ऐसे ही रोज का हो जाता है। अनुराग मणि की एक झलक देखने के लिए उसकी दुकान पर जाता और घंटों घंटों बैठकर चाय पीता। एक दिन अनुराग मणि से कहता है, देखो मणि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कहाँ और आप कहाँ? भानु प्रताप सिंह को अगर ये बात पता चली तो वो मुझे जान से मार देंगे। जब तक मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अनुराग की ये बात सुनकर मणि खुश हो जाती है। उस दिन से अनुराग और मणि एक साथ खूब बातें करने लगते हैं। अनुराग मणि को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ वहाँ घुमाने भी ले जाता। लेकिन एक दिन अनुराग का ड्राइवर भानु प्रताप सिंह के पास जाता है और उन्हें सारी सच्चाई के बारे में बता देता है। अगर ऐसा है तो वो उस लड़की को मरना होगा। उसकी इतनी औकात कि वो सूर्यवंशी खून के साथ अपना लगाव लगाए। भानु प्रताप सिंह ड्राइवर को सोने के सिक्के देकर उसे वहां से भेज देता है। जब शाम को अनुराग वापस घर लौटता है तो भानु प्रताप सिंह उसे समझाता है, अनुराग बेटा, ये मत भूलो कि तुम एक सूर्यवंशी खानदान के लड़के हो। तुमने एक बार भी हमारे खानदान के बारे में नहीं सोचा। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं मणि से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे दूर नहीं हो सकता। जाति और धर्म के नाम पर आप हमें अलग नहीं कर सकते। अलग तो तुम्हें होना ही होगा। या तो तुम मुझे चुन लो या फिर उस लड़की को, क्योंकि अगर उसे चुना तो मैं उसे मारकर जेल चला जाऊंगा, लेकिन उसे इस खानदान में नहीं आने दूंगा। भानु प्रताप सिंह मणि को मारने की धमकी देता है। बेचारा अनुराग मणि से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह भानु प्रताप सिंह की बात मान लेता है और एक दिन मणि से मिलने जाता है। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं वापस विदेश जा रहा हूँ। अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अनुराग मणि को छोड़कर जा ही रहा होता है कि इतने में मणि उसके पीछे से बंदूक चलाकर उसे मार देती है। जो मेरा नहीं हो सकता वह किसी का नहीं हो सकता। उस दिन के बाद भानु प्रताप सिंह ने मणि से बदला लेने के लिए उसे अपने महल के तहखाने में बंद कर दिया था। बेचारी मणि तड़प तड़प कर मर गई और वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन ये सब तो मेरे गुजरे हुए कल में था। आज मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उस तहखाने वाली चुड़ैल ने कई लोगों की जान ले ली है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो आगे भी सबकी जान लेती रहेगी। अभी से दो दिन पहले एक राजन और शिव नाम के दो लोग उसे मारने के लिए उसके तहखाने के अंदर गए थे, लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। अब इस गांव की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। अगर मेरा जन्म इसलिए हुआ है तो मैं इन गांव वालों को जरूर बचाऊंगा। ऐसा सोचकर अनुराग उसी रात जंगल के अंदर उस गुफा में घुस जाता है। चलते चलते उस गुफा के अंदर तहखाना दिखाई पड़ता है। देखो, मैं यहाँ आ गया हूँ। तुम अपनी मौत का बदला ले सकती हो अब। उसके इतना कहते ही चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हो ही गया। अब तुम सिर्फ मेरे हो। हम दोनों शादी करके यहाँ से चले जाएंगे। देखो मई, मैं जानता हूँ कि तुम कई सालों से मेरे आने का इंतजार कर रही हो। तुमने उस दिन मुझे मार तो दिया, लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अनुराग चुड़ैल को बीते हुए कल के कुछ राज बताता है, जिसे सुनकर चुड़ैल अनुराग से कहती है, प्रियतम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से जन्म लेंगे और एक साथ अपनी जिंदगी को जिएंगे। इसके साथ एक सच और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। दरअसल अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मेरे दो बच्चे भी हैं। ये सुनते ही चुड़ैल रोने लगती है। लगता है ऊपर वाले ने हमारा साथ लिखा ही नहीं है। ना तो पिछले जन्म में तुम मेरे हुए और ना इस जन्म में, इसलिए अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। लेकिन मणि कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है और आने वाले कल में भी तुम्हारी ही रहेगी। अनुराग सही सलामत उस तहखाने से वापस बाहर निकल आता है। उस दिन के बाद से गांव में फिर दोबारा किसी की मृत्यु नहीं होती और गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। टीचर बहू स्टूडेंट सास। जहां देश आगे बढ़ रहा है, आज भी कई ऐसे गांव हैं जो विकास और सोच में पिछड़े हुए हैं। ऐसा ही एक गांव है सहरसा, जहां ना तो कोई विद्यालय है, ना ही शौचालय, ना ही कोई विकास, क्योंकि सरपंच की सोच ही ऐसी है। चलिए एक नजर उनकी सोच पर डालते हैं।
अरे औरतों के कदम घर में शोभा देते हैं। समय के साथ साथ सभी शहरी बेशरम की हदें पार किए जा रही हैं। बहुओं को बाहर कामकाज करने पर भेजते हैं। ससुर के नाती जानते नहीं कि बहु बेटियां पतंग की जैसी होती हैं। जरा सी ढील दे दो तो हाथों से छूटने की कोशिश करती हैं। सरपंच जी, मेरे हिसाब से तो आपकी सोच सरासर गलत है। अरे ऐसा किस वेद पुराण में लिखा है कि बहुओं को बेड़ियों में बांध कर रखो? शायद आपके इसी सोच के चलते हमारा गांव सहरसा सारे गांव से पीछे छूटता जा रहा है। ये है कमला, जिसने शिक्षा के एक शब्द नहीं पढ़े, मगर उसकी सूझ बूझ और सोच गांव में सबसे भिन्न है। शायद इसी सोच के मारे उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। एक सांझ जुगल शिक्षा के साथ गांव लौटता है। माँ माँ, ये शिक्षा है। अरे तू इतने सहमे स्वर में क्यों बोल रहा है? शिक्षा के गले में पड़ा मंगल सूत्र और मांग में पड़ा सिंदूर साफ तौर से बयां कर रहा है कि ये मेरी बहू है। आपको हमारी शादी से कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे इस गवारों के गांव में शहर से शिक्षा आई है। शिक्षा अपनी सास का आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी रहना शुरू करते हैं। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है, फिर एक शाम। सासू माँ, सारा दिन आप एकदम खाली रहती हैं? बहू, सारा काम तो तू ही कर देती है, जिस कारणवश तेरी सास के पास घुइयां छीलने का भी काम नहीं। माँ जी, आप पढ़ना क्यों नहीं शुरू करती? अरे शिक्षा बहू, बौरा गई है क्या? इस बुढ़ापे में मैं भला पढ़ लिख कर क्या करूंगी? सासू माँ, पढ़ने लिखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। अपने बीए पढ़ी हुई बहू का फायदा उठाइए। अगर आप पढ़ेंगी तो आपकी देखा देखी गांव की औरत भी पढ़ाई के प्रति रुचि रखेंगी। हम दोनों सास बहू के इस शुरुआत से इस गांव में बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है मेरी टीचर बहू, अब से तू मेरी टीचर, मैं तेरी स्टूडेंट। कमला स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू शिक्षा से प्रत्येक सांझ पढ़ने लगती है, मगर जल्द ही इस बात से पूरे सहरसा गांव में सनसनी मच जाती है। कहीं औरतों की मंडली में बातें बनती हैं, तो कहीं मर्दों के बीच। एक शाम जब दोनों सास बहू बाजार की ओर अग्रसर हो रही थीं, तो चंदा और झुमरी उन्हें रोक कर कहती हैं, कहाँ जा रही है ये टीचर बहू और स्टूडेंट सास की सवारी? तनिक हम दिनों औरतन को भी स्वर व्यंजन का पाठ पढ़ाई दो बबुनी। शिक्षा झुमरी के स्वांग में आकर कहती है, हाँ हाँ झुमरी मौसी, क्यों नहीं, आप भी कल शाम को मेरे घर आ जाइएगा, मैं सासू माँ के साथ आपको भी पढ़ा दूंगी। धत्तेरे की, बंद कर आपन बकैती। अरे कैसन सास है तू कमला, कहाँ तो के आपन बहुरिया पर ससुराल के शासन का दबदबा बनावल चाहत रहे, तू स्टूडेंट बनकर पढ़ाई के पाठ पढ़त है, शर्म नहीं आवत है? अरे जो करे शर्म उसके फूटे करम। अरे मैं तो कहती हूँ तुम सब भी पढ़ना शुरू कर दो। चल झुमरी, हमें नहीं पढ़ना कोई पाठ, सरपंच जी को खबर लग गई ना, सांस लेने पर आफत कर देंगे। सप्ताह भर के भीतर ही ये खबर सरपंच के पास पहुंचती है। अरे क्या हुआ रामुआ, तेरा मुंह कद्दू के जैसा काहे लटका है? इस सरपंच जी, कमला की बहू शिक्षा टीचर बनकर अपनी सास को पढ़ाई लिखाई में ट्रेंड कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो कल को हम सभी की मेहरियां भी कहीं शिक्षा आंदोलन न कर दे। शिक्षा का संक्षेपण सुनकर सरपंच का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सारे गांव समेत सास बहू के पास आता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कमला, तुम अपनी बहू से पढ़ रही हो? अब मेरी बहू बीए पढ़ी लिखी है और मैं अंगूठा छाप, इसलिए वो अपने सास को पढ़ा कर काया पलट कर रही है। अरे तुम्हारी बेशर्म बहू की बदौलत अगर गाँव की किसी भी दुगाई ने बगावत की तो भला नहीं होगा, इसलिए बंद करो ये। सरपंच जी, वो प्रचार नहीं सुना क्या आपने? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सप्ताह भर के भीतर ये पढ़ाई लिखाई बंद नहीं की तो तुम दोनों सास बहू को उठाकर गांव की सीमा से बाहर फेंक दूंगा। सरपंच जी, आपके खोखले धमकियों से हम सास बहू नहीं डरने वाली, चाहे तो आप अपने एड़ी चोटी का जोर आजमा कर भी देख लीजिए। सास बहू के हौसले के सामने सरपंच के स्वर फीके पड़ जाते हैं और वो थक हार कर वहाँ से चला जाता है। इधर कमला रोजाना स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू से पढ़ाई की ट्रेनिंग लेने लगी थी। वेरी गुड माँ जी, आपने दो दिन में ही संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण भी सीख लिया। अब एक उदाहरण देकर जरा मुझे क्रिया विशेषण समझाइए। ठीक है बहू,
झुमरी झूम झूम कर सारे गांव में सास बहू की पढ़ाई की खबर फैलाती है। इसमें विशेषण है झुमरी का झूमर और क्रिया है खबर फैलाना। वाह मेरी स्टूडेंट सासू माँ, क्या सॉलिड एग्जाम्पल दिया है। वह दिन दूर नहीं जब तेरी सास पटर पटर अंग्रेजी के शब्द भी बोलेगी। कमला की पढ़ाई में बढ़ी रुचि और बदली बेहतरता को देखकर कल तक जो औरतें अपनी पूरी बोलबाले से उसे नीचे दिखाती थी, आज वो सास की सराहना करते नहीं थक रही थी। चंदा लगता है हम बुरबकिये कर दीस। अरे कमला गोरी मेम के जैसे अंग्रेजी छाटे लागल है। अब तो हमरा भी मन करता है कि कमला बहू की शिक्षा की आड़ी बाड़ी में दाखिला ले ले। बेबाग भी अकल लुगाई, आड़ी बाड़ी में बच्चन पढ़ते हैं, शिक्षा की ट्रेनिंग टीचर कहते हैं। दोनों सास बहू शिक्षा के पास आकर पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि जाहिर करती हैं। अरे शिक्षा बहू, हम दोनों को भी पढ़ा दे। हाँ बहू, आज हमके बुझा गईल कि जीवन माँ शिक्षा का मूल सर्वोपरि है। तुम दोनों फिर से कोई स्वैंग तो नहीं रचा रही। अरे शिक्षा की देवी सरस्वती की सौगंध हम पढ़े के चाहत है। हम कल रेडियो प्रसारण पर सुने रहे कि शिक्षा ही सफलता की सीढ़ी है। शिक्षा सच्ची लगन से तीनों को पढ़ाने लगती है। ऐसे कि कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक रोज झुमरी को जाता देख उसका पति रमुआ कहता है, अरे झुमरी इतना झूम झूम कर कहाँ जाते हैं? अरे हम कमला के पतोहू के पास पढ़े जाते हैं। ये सुनकर रमुआ गुस्से से बिलबिलाते हुए कहता है, अरे का बोलत है ससुरी, तोके भी वो कल मुही कमला के जैसन पाठ पढ़े के खुमारी चढ़त है रे। तेरे कदम दहलीज से बाहर पड़े तो काट कर बोरी में भर दूंगा। बस अरे हम औरत हैं, तो हर हाथ के कठपुतली नहीं जो जब चाहे जैसन चाहे नचाओगे। बहुत बकैती सीख गई है तू। आज तोके दो मैं से एक को चुनैनी पड़ी, तोरे खातिर पढ़ाई जरूरी है कि पति। अरे एक औरत के आपन कोनो खुशी नहीं होते का? पहले मायके के मान मर्यादा, फिर ब्याह के बाद ससुराल और सास के शासन और अंत में पति के प्रतारण। हर जन उके पिंजरा में कैद कर एक चाहत है, का औरत के उड़ान भरे का हक नहीं? झुमरी का सच्चा संक्षेपण रमुआ को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देता है। अब धीरे धीरे गांव की सभी सास स्टूडेंट बनकर शिक्षा से पढ़ लिख कर सही फैसले लेना सीख जाती है, जिसे देख सरपंच सभी को सभा में बुलाता है। शिक्षा, मैं तुम्हारे हौसले की सराहना करता हूँ। तुमने न सिर्फ मेरी सोच बल्कि इस पिछड़े गांव समेत पतियों के पर भी काट कर रख दिए। मैं कुछ समझी नहीं सरपंच जी। सहरसा में तुम्हारे आने से पहले मुझ सरपंच के पास आए दिन गांव के दंपति के कलेशों का दुखड़ा धंधा आता था, मगर सचमुच ये शिक्षा का ही प्रभाव है कि गांव की सभी औरतों के शब्द सयानों में हो गए हैं। साथ ही उनका पतियों का झूठा पुरुषार्थ भी जड़ से खत्म हो गया है। अब सहरसा गांव में विद्यालय होगा जहां की टीचर तुम होगी शिक्षा। ये खुशखबरी सुनकर गांव की सभी स्टूडेंट सास से लेकर उनकी बहू स्टूडेंट भी शिक्षा को बधाई देती है। दोस्तों, कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, उसके लिए छोटे कदमों से शुरुआत करनी पड़ती है, जो शिक्षा और उसकी सास ने किया था, जिसके चलते आज अब तक कल का पिछड़ा हुआ सहरसा आज पढ़े लिखे की श्रेणी में शुमार है। अरे चल मंटू, जल्दी से मेन कामे बदल कर दिखा, हाल तू जलाल तू रूप बदल दे तू। एक बड़ी भीड़ ने जादूगर अजूबे को चारों ओर से घेरे हुए था। उसका करतब देख कर लोग बहुतेरे बखान करके थोड़े बहुत पैसे देकर चल देते हैं, जिसे लिए जादूगर अपने घर आता है जहां उसकी पत्नी पवित्रा कहती है, क्या हुआ जी, आपका चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है? अरे पवित्रा, प्रत्येक दिन दर्शकों को अथक कौतुक करतब दिखाने के बावजूद भी ये चंद चिल्लर नसीब होते हैं। अरे जादूगरी में सैकड़ों जोखिम के बावजूद विशेष कमाई नहीं होती, तो चेहरा कुमलाएगा नहीं तो क्या होगा? परेशान ना हो जी, ये बुरा दौर भी बीत जाएगा। अरे पवित्रा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक पुत्र जन कर दो, ताकि हम पिता और पुत्र मिलकर आने वाले भविष्य में अपने कौतुक कर्तव्य से खूब कमाई करें। इसके पश्चात पवित्रा प्रत्येक वर्ष गर्भवती होकर बेटियां जन्मती है। ये सिलसिला 5 सालों तक चलता है। अब अजूबा और पवित्रा 5 बेटियों के माता पिता बन चुके थे। अजी मैं किसी काबिल नहीं आपको एक पुत्र सुख भी ना दे सकी। अरे खुद को क्यों दोष देती हो, हम दोनों दंपत्ति पिछले 5 सालों से इसी प्रयास में तो लगे हैं।
क्या पता भगवान की यही योजना हो कि मेरा भाग्य मेरी पांचों बेटियों के हाथ में ही बंधा हो, इसलिए हमें पुत्र प्राप्ति न हुई हो। समय गुजरता है। जादूगर अजूबा रोजाना कोसों दूर जाकर अपने कौतुक कर्तव्य करके जो कमाई करके लाता उससे सभी का पेट पालता। कुछ सालों बाद, अरे देखते ही देखते 5 साल का पड़ाव पार हो गया। समय दस्तक दे चुका है जब मैं अपनी बेटियों को उनके नाम के अनुसार उन्हें जादूगर की कला से अवगत कराऊं। नीरा, अग्नि, दीपिका, अनुजा, नेत्रा, अपने पिता के पास आओ बेटा। जादुई पिता की पुकार सुनकर पांचों उसकी ओर अग्रसर होती हैं। अजूबा हर एक दिन सप्ताह उन्हें जादू की जानकारियां दिए चला जाता है। देखते ही देखते 5 वर्ष और पूर्ण हो जाते हैं। नीरा, तुम इस जादूगर पिता की पहलौटी संतान हो, इसलिए तुम अपने मुंह से पानी का कौतुक कर्तव्य दिखाओगी। अग्नि, तुम आग का कौतुक कर्तव्य दिखाओगी। अग्नि, ज्वाला तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। दीपिका, तुम अपने तार जैसे लंबे कद से कौतुक कर्तव्य दिखाओगी। अनुजा, तुम अपने बौने कद से दर्शकों को सर्वाधिक हर्षोल्लास से भरोगी। और नेत्रा, जिस अंधेर नगरी को भी आंख भरकर देखेगी, तुम्हारी कौतुक कर्तव्य से वो रोशनी से उजागर हो जाएगी। जाओ और जाकर पांचों बहनें अपने जादुई कौतुक कर्तव्य का प्रयोग करो। पांचों जादुई बहनें एक साथ निकल पड़ती हैं। अगर हम पांचों बहनें इस भरे बाजार में अपना जादुई कर्तव्य दिखाएं, तो हम कई गुना ज्यादा कमाई कर सकते हैं। हाँ, चलो। पांच बहनें बीच बाजार अपना जादू दिखाना शुरू करती हैं। जहाँ अग्नि आग के अंगारे, वहीं नीरा जल का झरना बन जाती है। और बौनी बहन अनुजा कहती है, जादुई बहनों का खेल निराला, एक अग्नि का ज्वाला, दूजी पानी का प्याला, आओ आओ दर्शकों। देखते ही देखते जादुई बहनों का कौतुक कर्तव्य देखने के लिए भीड़ भड़ाका जमा हो जाता है। दिन भर दोपहरी में दर्शकों को जादू दिखाकर सांझ की बेला को पांचों पैसे लिए घर लौटती हैं। पिताजी, हम पांचों बहनों ने अपने जादुई कर्तव्य से इतने पैसों की कमाई की है। जानते हैं पिताजी, जब अग्नि और नीरा जी अपने मुंह से आग पानी की बौछार कर रही थी, तो लोगों ने हम जादुई बहनों का खूब बखान किया। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों, ऐसे ही अपने जादूगर पिता का नाम रोशन करना। फिर एक दिन अजूबा और पवित्रा गांव की सीमा से बाहर जा रहे थे, जहां दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो जाता है। ये खबर सुन पांचों बहनें बोलती हैं, शायद इसी बुरे मंजर के लिए हमारे पिता ने हम बहनों को जादू का कर्तव्य सिखाया था। सभी बहनें अपने जादुई खेल कर्तव्य को पेट भरने का जरिया बना लेती हैं। एक रोज जब पांचों सड़क पर दर्शकों को जादू दिखा रही थी, तभी वहां सुलोचना आती है, लंबी बहन चुए आसमान की तराई को, बौनी बहन करे अपनी बड़ाई खुद, क्या देखा है दर्शकों ऐसे कौतुक कर्तव्य की लड़ाई। जादुई बहनों का कारनामा देख सुलोचना अपना स्वार्थ साधते हुए सोचने लगती है, किसी तरह अगर ये कौतुक कर्तव्य दिखाने वाली जादुई बहनें मेरी बहू बन जाए, तो मुझ बुढ़िया के बुरे दिन बदल जाएंगे, और बहू बनने के बाद इनकी बागडोर मेरी बुलंदियों का कारण बनेगी। सुलोचना उनके घर का बहु पता करके अगले दिन शगुन के संग उनके पास चलकर आती है। जी आप कौन? बेटी मैं। तुम पांचों बहनों को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तुम पांचों का सादगी स्वरूप मुझको भा गया है, मेरी बहू बनकर मेरे बेटों और मुझ बुढ़िया का भाग्य सवार दो। पांचों बहनें स्वार्थी सुलोचना के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर शादी के लिए हामी भर देती हैं, और शादी करके सुलोचना की बहू बनकर ससुराल आती हैं। 2 दिन बाद, अरे ओ मेरी जादुई बहुओं, जाओ जाकर अपनी जादुई कला से कमाई करके पैसे लाओ। मगर माँ जी, हमारे पतियों के रहते हम क्यों कमाएं? सासू माँ सोचिए, जब हम बहुएं बाजार के बीच जादू का कर्तव्य दिखाएंगी, तो लोग आपके बारे में बातें नहीं बनाएंगे। अरे बंद करो अपनी बकैतियाँ, तुम पांचों बहनों को इसलिए बहू बनाया था मैंने, ताकि घर बार चले। अब निकलो और सांझ की बेला से पहले मत आना। पांचों बहनें बतियाते हुए बाजार की ओर अग्रसर होती हैं। सोचा था ब्याह के बाद हम बहनों को बाजार के बीच कर्तव्य करने फिर नहीं जाना होगा। जी तो करता है अपनी जादुई जुबान की ज्वाला से स्वार्थी सास को फूंक दूं। शायद हम पांचों बहनों के भाग्य में जादू का कर्तव्य करके ही पेट पालना लिखा है। पांचों बहनों की निगाह एक चौरस पत्थर पर पड़ती है, जिस पर खड़ी होकर वो अपना जादुई कारनामा करने लगती है।
अग्नि के मुंह से आग निकलती तो नीरा जल का सोता बहाती। बौनी और लंबी बहनें लाजवाब बार बार लंबी छोटी होकर लोगों का दिल बहलाकर मिले पैसे लिए घर आती हैं। ये लीजिए सासू माँ, हम बहनों के जादुई करतब से आज कुल मिलाकर इतनी कमाई हुई है। शाबाश मेरी सर्वगुणी बहुओं, ऐसे ही जिन्न का जादू करते रहो। समय गुजरता है, पांचों बहुएं प्रत्येक दिन दोपहरी बीच बाजार सड़क स्थलों पर अपने जादुई कौतुक करतब से कमाई करके सांझ को पैसे सुलोचना को देती। एक सांझ जब वो पांचों घर लौटती हैं, तो उनके घर के इर्द गिर्द लोगों की बड़ी भीड़ खड़ी होती है। उनका घर आग से धू धू कर रहा होता है। कब से हम तुम पांचों पतोहू के राह निहारत रहे बिटिया, जाने कैसे तुहरे घर में आग लगी। तुम पांचों का परिवार अंदर आग से जंग लड़त है। अरे झुमके, आग की लपटें बढ़ती देखकर तो लग रहा है कि सुलोचना उसके सपूत का अंग भंग होकर अस्थियों में बदल गया होगा। एकाएक आग को चीरती हुई सुलोचना की बुलंद चीख बहुओं को सुनाई देती है। बहू बचाओ बचाओ। शायद इसी पलचन के लिए हम पांचों ने जादू सीखा। अग्नि जल्दी से जाकर दरवाजा तोड़ो। दीपिका अपना कद बढ़ाकर मुझे अपनी हथेली पर उठाओ। और नेत्रा तुम मेरी आंखें बनोगी, अपनी रोशनी से अंदर की इस रात की बढ़ती बेला को सवेरा कर दो ताकि हमारा काम आसान हो। आंखें बने मेरा बसेरा, सांझ से हो जाए सवेरा। नेत्रा के जादू से सांझ की बेला सवेरे में बदल जाती है। आग को तारती बघारती बहू अग्नि दरवाजा तोड़ती है, जिसके बाद दीपिका नीरा को अपने हाथ पर उठाकर लंबी होती है। जैसे खड़ा है गाँव में खम्बा, हो जाए मेरा कद लंबा। ये कहते ही दीपिका का कद एकाएक लंबा हो जाता है। फिर नीरा कहती है, हो जाए मेरा मुख जलधार, जल की करूं बदरा बौछार। नीरा का मुंह जल का सोता बनकर बरसने लगता है। सुलोचना अपने बेटों समेत सुरक्षित बाहर निकल आती है। सारा घर ध्वस्त हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे। माँ जी, हम बहुओं के मायके का पड़ाव पास ही है। सुलोचना अपने बेटे बहुओं के साथ उनके पिता के पुराने घर आती है। अरे बहू, ये घर तो अंधेर नगरी बन गई है। नेत्रा अपने आँखों के जादू से पूरे घर में रोशनी भर देती है। पांचों बहुएं अपनी सास की सेवा बड़ी करती हैं। कुछ दिन बाद, सासू माँ सप्ताह भर हो चला है, हम पांचों बहुएं जादू दिखाने जा रही हैं, सांझ तक आ जाएंगी। बहुओं, अपनी स्वार्थी सास को माफ कर दो, अब तुम्हें कहीं जाकर कर्तव्य करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पति को अपनी जिम्मेदारी का पाला पड़ गया है, अब मेरी बहुएं सिर्फ ससुराल की बागडोर संजोएंगी। ये सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे चमक उठते हैं और वो अपने ससुराल में सुकून से रहने लगती हैं। काली और गोरी बहू में भेदभाव। काजल अपने पिता भूपेंद्र के साथ एक कच्चे मकान में रहती थी। उसके पिता की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। ऊपर से काले रंग को लेकर गाँव के लोगों की कड़वी बोली उसके जख्मों को कुरेदती रहती थी। एक बार भूपेंद्र की तबीयत बेहद बिगड़ जाती है, जिसे देख काजल स्तब्ध रह जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको अस्पताल ले चलती हूँ। वो सभी से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन मदद करना तो दूर, सभी उसके काले गहरे रंग के चलते उसे दुत्कार देते हैं। वो हिम्मत जुटाकर अपने बीमार पिता को अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर भूपेंद्र की जाँच करके कहता है, डॉक्टर पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना। देखिए, इनकी हालत बेहद नासाज है, कुछ कह पाना मुश्किल है। भूपेंद्र का बरसों पुराना दोस्त उसके बिगड़े स्वास्थ्य की खबर सुनते ही अस्पताल दौड़ा दौड़ा चला आता है। भोपू, ये सब क्या हो गया मेरे यार? सत्या, तू आ गया। देख, मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद खोए की गुजिया लाया हूँ, चल जल्दी से ठीक हो जा, फिर मिलकर बांट कर गुजिया खाएंगे। सत्या, मेरी जिंदगी का सफर सिर्फ यहीं तक है, वादा कर कि तू मेरी बेटी का घर बसाएगा। तू चिंता न कर मेरे दोस्त, मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा, ये तेरे लंगोटिया यार का वादा है। बेटी के ब्याह का बोझ उतरते ही भूपेंद्र हमेशा की खातिर आंखें मूंद लेता है, जिसे देख काजल फूट फूट कर रोती है। सत्यनारायण उसे अपने घर ले आता है, जहाँ उसकी पत्नी शारदा कहती है, अरे इस अमावस के चांद को हमारे घर में अंधेर करने को क्यों उठा लाए हो? काजल, इस घर की होने वाली छोटी बहू है। क्या? अरे बुढ़ापे के असर में होश खो बैठे हो क्या?
मैं इस नकुशा को कभी भी अपनी बहू नहीं बनने दूंगी। मेरी बड़ी बहू चमकते हीरे के जैसी और छोटी बहू काले कोयले के जैसी, ये मेल कभी नहीं बैठेगा। मैंने अपने मरते दोस्त को वादा किया था, सत्यनारायण का उसूल है प्राण जाए पर वचन न जाए। पिताजी, आप जबरन मुझ पर इस काली स्याह से शादी करने का बोझ नहीं थोप सकते। ये शादी होकर रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। सत्यनारायण का उखड़ा हुआ स्वभाव देखकर सभी की बोलती बंद हो जाती है। अगले दिन काजल और कौशल की शादी होती है। शादी की रात कौशल अपने गुस्से का गुबार काजल पर निकाल कर कहता है, सुन ले ओ काली चाय, भले ही तू जबरन मेरे गले पड़ गई है, लेकिन तेरे और मेरे बीच कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए, अग्नि के साथ फेरे लेकर आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया है। ये शादी मेरी मजबूरी थी, अगर मैं तुझे ब्याह नहीं रचता तो पिताजी मुझे घर से बेदखल कर देते। तू सिर्फ मेरी जिंदगी में लगा ग्रहण है। ये सुनकर काजल जैसे टूट कर बिखर जाती है और अपने पति के पैरों में गिरकर रोने लगती है। मुझे हमेशा से भाभी जैसी सुंदर लड़की की चाह थी, तेरा मेरा कोई मेल नहीं। कौशल कसाई की तरह उसे झकझोरते हुए दूर फेंकता है और अपना बैग उठाकर चल देता है। तभी उसकी भाभी दबे पांव उसके हाथों में नोटों के बंडल थमाकर कहती है, ये लो देवर जी, कुछ दिनों की बात है, जैसे ही इस काजल का काला साया इस घर से दूर होगा मैं आपको खबर कर दूंगी। शुक्रिया भाभी, आपको मेरी कितनी चिंता है। कौशल की भाभी सोनारिका को अपने गोरे रंग का काफी गुमान था। दरअसल काजल के प्रति भी कौशल के मन में फूट डालने वाली सोनारिका थी। इतने वक्त से मैं अपनी छोटी बहन के आने का रास्ता बना रही थी, लेकिन इस काजल ने काली बिल्ली के जैसे मेरी बहन का रास्ता काट दिया। मैं इसका जीना दुश्वार कर दूंगी। रात भर रोने के चलते काजल की आंखें लाल पड़ जाती है। तभी आधी रात सोनारिका चाल चलते हुए कहती है, कल तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, माँ जी को सवेरे मीठी चाय पीने की आदत है। काजल तड़के सवेरे उठकर साफ सफाई खत्म करके नहा धोकर मंदिर में पूजा पाठ करती है। तभी उसका ससुर सत्यनारायण कहता है, कितने अरसे बाद इस घर में शंख की गूंज सुनी है। सच में बहू, तेरे आने से इस घर में चार चांद लग गए हैं। अगर इस अंधेरी रात के तारीफों के बखान खत्म हो गए हो तो सुनो काली काम चोर, जाकर चाय बना। काजल हंसी खुशी चाय बनाकर सभी को चाय परोसती है। जैसे ही शारदा चाय का घोंट अपने गले से उतारती है तो भद्दा सा मुंह बनाकर कड़वे अंदाज में कहती है, बेड़ा गर्क हो तेरा नासपीटी, अरे ये चाय है कि चाशनी, पूरा डिब्बा उलट के रख दिया है इसमें। माँ जी, चीनी तो मैंने 90 तुले हाथ से डाली थी, जिठानी जी ने कहा था कि आपको मीठी चाय भाती है। अरे मैं भला ये जानते हुए भी सासू माँ को मधुमेह है ऐसा क्यों कहूँगी, नासपीटी करमजली झूठ बोलती है, ठहर जा अभी तेरी हेकड़ी निकालती हूँ। गुस्से में बौखलाकर शारदा गरम चाय की प्याली काजल के हाथों पर उड़ेल देती है, जिस कारण उसके हाथों पर गहरे छाले पड़ जाते हैं। आह माँ, मेरा हाथ। काजल दौड़कर कमरे में जाती है। इधर क्रूर सास बहू धीमे से ठहाक के लगाकर कहती हैं, सासू माँ आपकी तो दाद देनी पड़ेगी, क्या रंग जमाया आपने, ये तो महज एक शुरुआत है। बड़ी बहू, इस काली सियाही पर तो मैं इतने जुल्म ढाऊंगी कि इसकी रूह भी कांप उठेगी। नन्ना मुन्ना चोरी छिपे ट्यूब लेकर काजल के कमरे में आता है। चाची हाथ आगे लाओ, आपको चोट लगी है ना। मुन्ना काजल के घाव पर दवाई लगाता है। ये देख काजल के दिल में मुन्ने के लिए प्यार उमड़ आता है। तभी सुनील कहता है, खबरदार जो आपने काले भद्दे हाथों से मेरे बेटे को छुआ तो, चल मुन्ना। काजल के काले रंग के चलते ससुराल में हर दिन उसके खातिर अग्नि परीक्षा की कसौटी होती थी। सास से लेकर जेठ जिठानी तक उसके कामों में कमी निकालकर उसको जली कटी बातें सुनाते थे। क्यों भगवान, तूने मुझे ये गहरा काला रंग देकर भेजा ही क्यों, सुहागन होते हुए भी पति का सुख नहीं और ससुराल मेरे लिए शासन का केंद्र बनकर रह गया है। बहू, तू ऐसे छोटी सोच वाले लोगों से हार नहीं मान सकती, क्योंकि तू इस पिता की नजरों में हीरा है। मैं 2 दिन के खातिर बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। सत्यनारायण के घर की दहलीज पार करते ही सभी काजल पर अत्याचार का पहाड़ ढाने लगे थे। सुनो मेरी कोयला खदान, मेरी नकुशा बहू, अपना ये बोरिया बिस्तर उठा और चलती बन, घोय क्या रही हो, अब तुम्हारे मसीहा यानी कि ससुर जी भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। माँ जी, लड़के की डोली उसकी मायके से उड़ती है और ससुराल से उसकी अर्थी,
मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, लेकिन अपना ये काला साया लेकर दफा हो जा। माँ जी, मैं इस घर की दहलीज को पार नहीं करूंगी। आप चाहे मुझ पर कितने भी जुल्म ढालो। काली कमली कुरूपा ठीठ बना दिखाती है। शारदा सींक वाली झाड़ू उठाकर काजल को खूब मारती है और सोनारिका उसका हाथ मरोड़कर घर से खदेड़कर बाहर फेंक देती है। काजल के लाख मिन्नत के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोलती। काजल एक मंदिर की सीढ़ियों पर रात भर बैठकर खुद को कोसती है। सवेरा होते ही सत्यनारायण घर आ धमकता है। मुन्ना उसे सारा कच्चा चिट्ठा बता देता है। गुस्से से तिल मिलाया सत्यनारायण सभी पर बरसते हुए कहता है, अरे कसाईयों, जितना बुरा बर्ताव तुमने उस भोली भाली लड़की के संग किया, वैसा तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता। तुमने सिर्फ उसकी चुप्पी का फायदा उठाया है। सत्यनारायण की फटकार उन सभी का सिर नीचे कर देती है। हर दिन के साथ अब उन्हें भी काजल की कमी खलने लगती है। वो कई जगह उसकी तलाश करते हैं मगर काजल का कोई अता पता नहीं चलता। एक रोज वो सभी मंदिर पहुंचते हैं। माँ, तू तो जगत जननी है, मेरी बहू पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी, उससे मिलवा दे माँ। अचानक से सोनारिका की निगाह मंदिर की सीढ़ियां धो रही काजल पर पड़ती है। माँ जी, वो देखी काजल। सभी दौड़ते हुए काजल के पास आकर कहते हैं, बहू मुझे माफ कर, तेरे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुझ पे कितनी ज्यादतियाँ की है। सारी फसाद की जड़ मैं हूँ। अगर मैंने काले गोरी रूप के भेदभाव को हवा नहीं दी होती तो घर कभी बिगड़ता ही नहीं। अपना बड़ा भाई समझकर मेरे भी भूल चूक को माफ कर दो काजल। बस कीजिए, आप सभी मुझसे उम्र में बड़े हैं। ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मेरे दिल में आपके खातिर कोई गुबार नहीं। देर से ही सही, इन्हें समझ तो आया कि इंसान सूरत से नहीं सीरत से सुंदर होना चाहिए। अंत में कौशल को अपने किए पर पछतावा होता है और वो घर लौट आता है। इस तरह अंत में काजल को उसके हिस्से की खुशियां मिल ही जाती हैं। एक काली गुफा में तीन चुड़ैल पिंजरे में कैद होकर आपस में बात करते हुए बोलती हैं। बाप रे, इन इंसानों के अंदर दिल भी है या नहीं? हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। लगता है इन लोगों के अंदर सच में दिल नहीं है, तभी तो हम तीनों चुड़ैल को इस पिंजरे में कैद कर रखा है। खैर जो भी हो, जिस दिन हम इस पिंजरे से निकलेंगे उस दिन हम किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। हम सभी इंसानों को मौत के घाट उतार देंगे। ये तीनों चुड़ैल आपस में बात कर ही रही थी कि तभी उस गुफा के सामने से दो लड़के गुजर रहे थे। वो लड़के आपस में बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी वो तीनों चुड़ैल उन दोनों आदमियों की खुशबू को सूंघकर आपस में बोलती हैं। अरे बहन, क्या तुझे इंसानों की खुशबू आ रही है? हाँ हाँ तो रही है, लेकिन हम उस इंसान को रोके कैसे? हमें इस पिंजरे से निकलना होगा। अरे रोकना क्या है, उसे आवाज लगाओ और वो रुक जाएगा। वो दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी वहाँ अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस हवाओं के साथ उन्हें किसी की आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। अरे भैया, इस गुफा में से तो कोई आवाज आ रही है। हाँ आवाज तो आ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें इस गुफा के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर तीन भयानक खूंखार चुड़ैल रहती हैं। हाँ भैया, मैंने भी सुना है। छोड़ो छोड़ो, इन आवाज को इग्नोर करो और यहाँ से चुपचाप 9-2-11 हो जाओ। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। ये देख कि वो दो आदमी उन चुड़ैल के पिंजरे के पास नहीं आए, ये देख वो चुड़ैल गुस्से में बौखला जाती है और बौखलाते हुए बोलती है, आह, ये इंसान यहाँ कैसे जा सकता है? इसकी इतनी हिम्मत की है यहाँ पर आया और हमसे मिलकर भी नहीं गया। जिस दिन मैं इस पिंजरे से निकली उस दिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे तू क्या, हम दोनों भी इनको नहीं छोड़ेंगे। अब इनको मौत के घाट उतारना ही होगा। आखिर एक बार हम यहाँ से निकल तो जाएं। वो तीनों चुड़ैल इस तरह चिल्लाती रहती हैं और इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह के समय विनय नाम का एक लड़का उस गुफा की तरफ से जा रहा था कि तभी उस गुफा से विनय को भी एक आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। ये आवाज सुनकर विनय उस गुफा के अंदर जाता है, जहाँ वो उस गुफा के अंदर सुंदर सी तीन लड़कियों को देखता है। वो उन तीनों लड़कियों को देख उनसे बोलता है, अरे तुम तीनों यहाँ पर, इस पिंजरे में कैसे कैद हो? तुम तीनों को पिंजरे में किसने कैद किया है? अरे मेरे राजा,
हम लोग तो तुम जैसे स्मार्ट और डैशिंग बॉय के साथ रहना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को एक बुड्ढे से दिखने वाले लड़के ने इस पिंजरे में कैद कर लिया और वो हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हमारी मदद करो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इतना कहकर वो उन तीनों का पिंजरा खोल देता है और जैसे ही उन लड़कियों का पिंजरा विनय खोलता है, वैसे ही वो तीनों लड़कियां बाहर आती हैं और चुड़ैल का रूप धारण कर लेती हैं, जिसके बाद वो एक विशाल चुड़ैल बन जाती हैं। उन तीनों भयानक चुड़ैल को देख विनय उनसे बोलता है, हे भगवान, तुम तो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल हो, चुड़ैल। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो हमें आजाद करवाया है, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। यहाँ से जाना है ना, जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर विनय खुश हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद गांव में विनय आकर सभी को सब कुछ बता देता है। उसकी बात सुनकर मोहित बोलता है, विनय, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने आखिर उस पिंजरे को क्यों खोल दिया? क्या तुम्हें नहीं पता था कि वहाँ तीन भयानक चुड़ैल रहती है? मुझे माफ कर दो, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैंने सोचा इतनी प्यारी आवाज है, क्या पता वहाँ कोई लड़की फंसी होगी, उसको आजाद करवा कर मैं उससे शादी कर लूंगा। और तुम उसकी नजरों में महान बन जाओगे, है ना? यही सोचा था ना तुमने? खैर, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुमने दो गलती कर दी, अब मुझे ही कुछ सोचने दो। इतना कहकर मोहित अपनी आंखें बंद करता है, जहां उसे उस पिंजरे का रूप दिखाई देता है, जिसके बाद उसे उन चुड़ैलों के खात्मे के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वैसे ही वो तीनों चुड़ैल उस गांव में उसके सामने दिखाई देती है। वो चुड़ैल अब उन लोगों को अंधाधुंध मारने लगी कि तभी कुछ गांव वाले हिम्मत करके चुड़ैल के सामने आते हैं और उससे बोलते हैं, आखिर तुम इन गांव वालों को क्यों मार रही हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम लोगों को आजाद ना करके तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती करी है। हमारा गुस्सा अब सातवें आसमान पर है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। हाँ, तुम नहीं बचोगे। एक बार तो हमें किसी तांत्रिक ने उस पिंजरे में कैद कर दिया था, लेकिन अब हम उस पिंजरे से आजाद हो चुके हैं। एक तरफ तो चुड़ैल और गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित चोरी छिपे उस गुफा में जाता है, जहां वो उस गुफा में रखे हुए तीन पिंजरों को जला देता है। जैसे ही वो पिंजरा जलता है, वैसे ही वहां वो चुड़ैलें जलने लगती हैं। खुद को जलता हुआ देख चुड़ैल गुस्से में बोलती है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। ठीक है, हम लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन तुम लोगों ने कौन सा भला किया है? हमारे बेचारे विनय को धोखे में रखकर खुद को आजाद करवा लिया। वो तो तुम्हारे विनय की मूर्खता थी। अरे, तुम इंसान होते ही मूर्ख हो, भला एक गुफा के अंदर कोई लड़की कैसे कैद रह सकती है? तुम इंसानों की कमजोरी ही सुंदरता होती है। जहाँ सुंदर लड़की दिखी नहीं, वहाँ तुम लड़के फिसले नहीं। लेकिन याद रखना, हम वापस जरूर आएंगे और जब आएंगे तो हम तुम लोगों को तबाह कर देंगे। वो ये बात कह रही थी कि तभी एक तरफ पिंजरा जलकर राख होता है, तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है, और इस तरह अब उस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई, जिसके बाद सभी गांव वाले अब खुशी के साथ मिलजुल कर रहने लगे।